नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी विदेश यात्रा के विषय में। क्या आप विदेश जा सकते हैं? क्या आप विदेश में बस सकते हैं? क्या आप विदेश में अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं? क्या आप विदेश में शादी कर सकते हैं? क्या विदेश जाना आपके लिए अच्छा है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिलेंगे। मैं आपको 12 प्रिंसिपल्स या 12 सिद्धांत बताऊंगी, जो कुछ क्लासिक्स से लिए गए हैं और कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा है, तो उनके हिसाब से मैंने 12 सिद्धांत बनाए हैं और वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो फिर आपको अपनी एक आदत बनानी होगी कि जो भी सिद्धांत आपको दिए जाते हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा हॉरोस्कोप्स में लगाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप ज्योतिष सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल और केवल अपने लिए ज्योतिष जानना चाहते हैं तो फिर आप ये सिद्धांत अपनी पत्री पर लगाकर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि क्या आप विदेश जा सकते हैं, क्या आप विदेश में घर खरीद सकते हैं, क्या आप शॉर्ट टर्म यात्रा करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, सब कुछ आज यहां पर आंसर होगा। 12 सिद्धांत बताऊंगी और आपको समझाऊंगी भी, जिससे कि आप अपनी हॉरोस्कोप में आसानी से ढूंढ सके इन चीजों को। चलिए शुरू करती हूं। सबसे पहला सिद्धांत होता है कि अगर लग्न का मालिक 12वें घर में, लग्न का मालिक 12वें घर में, 12वें घर का मालिक लग्न में, यानी कि लग्न और 12वें घर के मालिकों के बीच स्थान परिवर्तन हो जाए, तो ये निश्चित होता है या बहुत लाइकलीहुड हो जाती है कि आप विदेश में जाकर बस जाए या बचपन से आपकी विदेश में जाकर रहने की इच्छा होगी। आप अपने देश को अपना देश ही नहीं मानेंगे, आप हमेशा यही कहेंगे कि बाहर जाना अच्छा है, बाहर अच्छाई है। इस तरह की चीजें आपके मन में बचपन से होंगी और ये आपको काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बताता है कि आप विदेश जा सकते हैं। होगा कब, यानी विदेश जाएंगे कब, ये होगा जब आपकी लग्न के मालिक की या 12वें घर के मालिक की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होगी, उस दौरान आप विदेश जा सकेंगे। यानी कि जिस योग में जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा में आप वो काम कर पाते हैं। तो लग्न के मालिक या 12वें घर के मालिक की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर में आप विदेश जा सकते हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, जो दूसरा रूल है, वो है कि चौथे घर का मालिक, यानी आपकी मातृभूमि, आपका जन्म स्थान, इसका मालिक उठकर 12वें में चला जाए और 12वें घर का मालिक उठकर चौथे घर में आ जाए। ये जो परिवर्तन है, ये जो एक्सचेंज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है विदेश में जाकर बसने का, वहां जाकर मेहनत करके अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, एसेट्स बनाने का। यानी कि आप बाहर जाएं और वहां जाकर मेहनत से अपना स्टेटस, एसेट्स भी बनाएं, इसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तीसरा सिद्धांत होता है कि लग्न लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड, मतलब चौथे घर का मालिक और लग्न का मालिक, दोनों एक साथ कंजंक्ट कर जाएं 12वें घर में। यानी 12वें घर में पहले और चौथे घर का मालिक इकट्ठा होकर 12वें घर में बैठ जाएं और 12वें घर का मालिक 9th हाउस में आ जाए। पहले और चौथे का मालिक 12वें में, 12वें का मालिक 9th में, तो ये एक बहुत भाग्यशाली योग बनता है। आप बाहर जाकर आपके भाग्य में उन्नति होती है, आपका घर द्वार बन जाता है, आपका नाम भी वहां पर होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपके लिए अच्छी विदेश यात्रा, अच्छा विदेश में सेटलमेंट दिखाते हैं। चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो लग्न लॉर्ड और 9th हाउस, यानी लग्न का मालिक और 9वें घर का मालिक, दोनों एक साथ 12वें घर में चले जाएं, तो भी आपका विदेश जाने का चांस बहुत अच्छा होता है और स्ट्रांग हो जाएगा अगर 12वें घर का मालिक 9th में चला जाएगा।
क्या सिद्धांत है? लग्न और नवे घर का मालिक बारहवे घर में और बारहवे घर का मालिक नाइन्थ हाउस में अगर आ जाए तो ये भी एक बहुत भाग्यशाली कॉम्बिनेशन होता है और ये दिखाता है कि आपका भाग्योदय विदेश में होगा या विदेश आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। अब बात होगी चौथे सिद्धांत की, आई थिंक पांचवें सिद्धांत की, दूसरे और बारहवें का परिवर्तन, मतलब दूसरे घर का मालिक बारहवें में, बारहवें घर का मालिक दूसरे में। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है विदेश से धन लाभ का। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये विदेश जाने का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये विदेश से धन लाभ का बहुत कॉम्बिनेशन होता है। अगर और कॉम्बिनेशन आपकी हॉरोस्कोप में विदेश जाने के हैं तो फिर आप विदेश जाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। और अगर विदेश के कॉम्बिनेशंस नहीं है, केवल ये 2 और 12 का कॉम्बिनेशन है, तो फिर आप बाहर से व्यापार कर सकते हैं, आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेट में काम कर सकते हैं और वहां से अच्छा धन कमा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन विदेश से धन कमाने का होता है। अब बात होगी छठे कॉम्बिनेशन की, पहले पांचवें और नवे घर के मालिक एक साथ 159, यानी तीनों त्रिकोणों के स्वामी अगर एक साथ बारहवें घर में बैठ जाएं और बारहवें घर का मालिक विपरीत राजयोग बनाता हुआ आठवें घर में आ जाए, समझ रहे हैं? पहले पांचवें और नवें तीनों घरों के मालिक एक साथ बारहवें घर में हो, बारहवें घर का मालिक आठवें घर में विपरीत राजयोग बना दे, तो ये भी आपकी बाहर बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है कि मतलब आप बाहर जाएंगे, अपना नाम बनाएंगे, आपकी कीर्ति होगी, फेम होगी और आपका बाहर जाना बहुत सफल साबित होगा। देखिए, केवल बाहर जाना ही जरूरी नहीं है, बाहर जाकर आप अच्छा करेंगे या नहीं ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये कॉम्बिनेशन तीन त्रिकोणों के मालिक 159, बारहवें घर में, बारहवें घर का मालिक आठवें घर में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है विदेश के लिए। अब बात होगी सातवें कॉम्बिनेशन की, सातवें घर का मालिक, सातवें घर का मालिक बारहवें घर में, बारहवें घर का मालिक सातवें घर में या नवे घर में, सातवें घर का मालिक बारहवें घर में, बारहवें घर का मालिक या तो नाइन्थ हाउस में हो या सातवें में ही हो। तो पहला सिद्धांत हुआ 7 और 12 का स्थान परिवर्तन, सातवें घर के मालिक और बारहवें घर के मालिक के बीच में अगर स्थान परिवर्तन होगा तो आप विवाह के बाद विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बनता है, या आप किसी, जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर ही यानी विदेश में ही किसी कन्या से या पुरुष से आपका विवाह हो सकता है। और यदि बारहवें घर का मालिक सातवें घर में है या सातवें घर का मालिक बारहवें घर में है तो आपका शादी से रिलेटेड कोई ना कोई संबंध विदेश जाने में अवश्य बनेगा, ये निश्चित बात है। तो आप लोग जानते हैं ना, आप पूछते हैं कब जाएंगे, तो ऐसे लोग अक्सर विवाह के बाद विदेश जाते हैं। अब बात होगी आठवें रूल की, आठवें सिद्धांत की, ये होता है पांचवें घर का मालिक बारहवें में, बारहवें घर का मालिक पांचवें में, पांचवें घर का मालिक बारहवें में, बारहवें घर का मालिक पांचवें में। आप शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, आप एजुकेशन के लिए विदेश जाएंगे, या फिर आपकी संतान विदेश में पैदा होगी, आपकी किसी संतान का जन्म विदेश में होगा और उससे आपको फॉरेन नेशनलिटी मिल सकती है। अगर फिफ्थ हाउस का मालिक नाइन्थ हाउस में हो, फिफ्थ हाउस का मालिक नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस का मालिक ट्वेल्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस का मालिक नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस का मालिक ट्वेल्थ हाउस में, तो ये आप के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है कि या तो आप हायर स्टडीज के लिए विदेश जाएंगे, मतलब कॉलेज वॉलेज में नहीं, उससे भी ऊपर रिसर्च वगैरह के लिए,
हायर स्टडीज के लिए विदेश जाएंगे या फिर आप लेक्चर्स वगैरह देने के लिए विदेश जाएंगे, आपके जीवन में आपकी कई विदेश यात्रा हो सकती है पढ़ाई लिखाई या शिक्षा से संबंधित। अब बात होगी नवे रूल की, नाइन्थ रूल की। क्या कहता है? दसवें घर का मालिक बारहवें घर में, यानी कि काम कार्य नौकरी यानी कार्य कर्म का स्थान का मालिक बारहवें घर में चला जाए, यानी आपका कर्म का एग्जॉशन बारहवें घर में लिखा हुआ है। मतलब जब आप विदेश जाएंगे तो आपको बड़ा प्लेटफॉर्म काम करने के लिए मिलेगा। और दसवें घर का मालिक बारहवें में और बारहवें का दसवें, देखिए परिवर्तन बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब जब किसी दो हाउसेस के बीच में उनके मालिक परिवर्तन करते हैं तो इस पॉसिबिलिटी को, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। तो जब कर्म स्थान का मालिक उठकर बारहवें में आ जाए और बारहवें का मालिक उठकर कर्म में आ जाए, यानी कि आप दो बातें हो सकती हैं। एक तो यही कि आप सीधी सिंपल के नौकरी के लिए बाहर चले जाएं, दूसरा यह कि विदेश ही आपकी कर्म स्थली बन जाए, और तीसरा यह कि विदेश आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे आपके कर्म को एग्जॉस्ट करने का और आपको वहां से फेम भी मिले। यानी इंटरनेशनल फेम जो होती है वो इसी तरह के कॉम्बिनेशन से मिलती है। इसमें अगर एक चीज और ऐड कर दी जाए, ये हो कि दसवें घर का मालिक बारहवें में, बारहवें घर का मालिक दसवें में, और लग्न लॉर्ड नाइन्थ में, दसवें और बारहवें के बीच में परिवर्तन हो और लग्न का मालिक नाइन्थ में हो, तो आप इंटरनेशनल फेम प्राप्त कर सकते हैं। बाहर जाकर आप बड़े कर्म कर सकते हैं, आपका विदेशों में नाम हो सकता है। चलिए अब बात होगी शॉर्ट ट्रेवल्स कब कब होते हैं। अगर आपका तीसरे घर का मालिक नाइन्थ हाउस में आ जाए, थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, तो ये आपका शॉर्ट ट्रेवल, मतलब जो हम घूमने फिरने जाते हैं, कभी कोई लेक्चर देने चला गया, कभी कोई घूमने चला गया, शॉर्ट ट्रेवल के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। लेकिन अगर आपका नाइन्थ हाउस यानी नवे घर का मालिक तीसरे में चला जाए और चौथे घर का मालिक उसके साथ बैठ जाए, यानी कि सिंपल वर्ड्स में फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड दोनों, चौथे और नवे घर के मालिक एक साथ तृतीय स्थान में बैठ जाएं, तीसरे घर में बैठ जाएं, तो आप अपने जन्म होते ही, मतलब आप पैदा हुए और बहुत छोटे होंगे तभी आप विदेश चले जाएंगे, और बहुत संभावना है कि आप वहीं सेटल हो जाएं, वहीं आपकी शिक्षा भी हो। समझ गए ना? थर्ड नाइन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस कंजंक्ट विद फोर्थ लॉर्ड, यानी नौ और चार के मालिक दोनों तीसरे घर में हो, तो जन्म के तुरंत बाद विदेश जाने के कारण बन जाते हैं और आप लोग शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात होगी ग्यारहवें रूल की। ये बहुत सिंपल है, सबके साथ अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन अगर कुछ और कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत अच्छा करता है। केतु बारहवें घर में हो और राहु छठे घर में हो तो भी आपका विदेश सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक आध कॉम्बिनेशन इनमें से भी कोई होना चाहिए, तब ऐसा होगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया लास्ट वाला, नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ और फोर्थ लॉर्ड एक साथ जब थर्ड में होते हैं तो आप जन्म के तुरंत बाद से बाहर चले जाते। ये थे विदेश यात्राओं के कुछ योग। ऐसे और भी कई योग बन सकते हैं, ये अभी फिलहाल बहुत प्रोमिनेंट योगाज हैं जो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थे, या बहुत जिसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंटली अप्लाई होते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहती कि यही बस 12 रूल्स हैं, 11 रूल्स हैं, इसके बाद और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। There are several other conditions and combinations जो बन सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख 11-12 conditions हैं
विदेश जाने के, बसने के, सफलता पाने के। अब बात होगी कि विदेश जाकर सफल कब आप नहीं होते हैं। अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड, भाग्य का मालिक आपका नाइन्थ लॉर्ड 12वें घर में नीच का हो, नाइन्थ लॉर्ड 12वें घर में नीच का हो, तो आपको बाहर जाकर सफलता अच्छी नहीं मिलती, आप वहां परेशान रहते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर 12th हाउस यानी लग्न का मालिक 12वें घर में है, लग्न का मालिक 12वें घर में है, और ये जो लग्न का मालिक है ये पाप कर्त्री योग में आ जाए, मतलब लग्न का मालिक 12वें में चला जाए, और इधर यानी फर्स्ट हाउस में कोई क्रूर ग्रह हो और 11वें घर में भी कोई क्रूर ग्रह हो, यानी कि इफ लग्न लॉर्ड गोज इनटू 12th हाउस एंड इज हेम्ड बिटवीन टू मेलिफिक प्लैनेट्स, दो क्रूर ग्रह उसके आसपास हो जाए, तो आप बाहर तो जाएंगे लेकिन या तो आप बाहर वहां किसी ट्रैप में फंस सकते हैं, आपको आपके सम्मान की हानि हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये दो कॉम्बिनेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने देखे हैं, बाकी वहां जाकर परेशानियां झेलने के भी कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी अगले वीडियो में मैं आपको वो सारे कॉम्बिनेशन बताऊं कि कब आपको विदेश नहीं जाना चाहिए, भले ही इंडिकेशन हो हॉरोस्कोप में, जैसे कि अभी मैंने बताया कि लग्न का मालिक 12वें घर में है, पाप कर्त्री में है, विदेश मत जाइए, अगर मौका मिले तो भी छोड़ दीजिए क्योंकि वहां आप ट्रैप हो सकते हैं। ज्योतिष आपको प्री वॉर्न करने का काम करती है, फोर वॉर्न मतलब आपको पहले ही एक अलार्म सेट कर देती है, आपके लिए वार्निंग दे देती है, अगर आप इसके सिग्नल्स को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को सरल कर लेते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आपको बहुत जल्द मिलूंगी, और अब मैं कोशिश करूंगी कि जुलाई से महीने में एक बार लाइव आऊंगी और वहां पर आप लोगों के कुछ प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। बहुत लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं और कई रेस्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से आप सब लोग मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं महीने में एक बार लाइव आऊंगी एक घंटे के लिए, और आप लोगों में से जितने लोग हो सकेंगे उनका एक एक प्रश्न आंसर करने की कोशिश करूंगी। ट्यून इन, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, आपको आगे इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।